गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। क्लास 12th। देखिए तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा रिलेशन, हमने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कंप्लीट हो गया था रिलेशन, और आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो स्टूडेंट, मैं कल जो पुराना वीडियो था जो पहले अपलोड किया था, उसमें किसी बच्चे का एक नीचे एक डाउट था, कमेंट था, उसमें उसने लिखा था कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है क्या ऑलवेज, कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो ट्रांजिटिव भी होगा क्या? ये उन्होंने कमेंट में लिखा था, तो मैं इसका आंसर दे देता हूं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं ऐसे दोनों एग्जाम्पल दे देता हूं, एक ही क्वेश्चन के ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो जाए, और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो, तो दोनों चीजें, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, मैंने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या है? पहले तो रिलेशन एक सेट है ए। रिलेशन आर कहां से बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 सेट के अंदर से। तो रिलेशन क्या बनाया? 1 1, 2 2, 3 3, फिर 3 1, 1 3, 2 3, 3 2। ये हमारा क्या बन गया? एक रिलेशन। अब आप कहेंगे, सर इसमें आपने ये कैसे बनाया रिलेशन? ये मैंने अपने पास से बना दिया। क्यों? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? एक रो से ही, और एक रो से एक क्या है? 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 पेयर्स आएंगे, 3 into 3। तो उनमें से ये कुछ पेयर हमने ले लिए। अब देखेंगे ये रिलेशन है या नहीं, बिकॉज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों को चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। रिफ्लेक्सिव है, क्यों? एलिमेंट्स कितने हैं डोमेन के अंदर? 1 2 3, तो 1 1, 2 2, 3 3 होना जरूरी है। ठीक है, हमने चेक किया, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3। अब हम रिलेशन के अंदर देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी रिलेशन के अंदर, ए बी है तो बी ए बी होना जरूरी है, तो ए बी भी है और बी ए बी है, तीनों के हैं। यहां आए, 3 1 है तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 है तो 3 2 बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात आई तो क्या होता है ट्रांजिटिव? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बात क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, यहां से इनको तो एक बार छोड़ दिया, ठीक है, यहां पे आए, 3 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 3 बिलोंग्स टू आर, क्लियर। 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ये बात क्लियर। हमें तो एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करे, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ढूंढिए, हमने क्या किया भैया? 2 3 बिलोंग्स टू आर, ओके, और फिर यहां से देखा हमने, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर। इन दोनों को देखिए, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव। एक केस मैंने आपको बता दिया इस के अंदर से, बात क्लियर। अगर 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1, क्योंकि 2 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखना, में 2 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर कौन सा हुआ? 3 1। 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज ए नॉट ट्रांजिटिव। अब बात आती है, कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहां से रिलेशन, इसी सेट के अंदर से, ए सेट में से, 1 1, 2 2, 3 3, 1 3, 3 1, 1 2, 2 1, और क्या बनेगा? और बनेगा 2 3, 3 2, ये बन गया रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन के अंदर से हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। क्यों? अब की बार क्या हुआ? 2 3, वही वाली चीज चेक करते हैं, 2 3 है बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, क्या चाहिए? 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
एंड ट्रांजिटिव। तो मैंने दोनों तरह के आपको एग्जांपल दे दिया कि रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ये दोनों एग्जांपल मैंने दे दिए, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन जनरल हम नहीं कह सकते कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल हमने दे दिया, क्लियर। तो अब बात आती है हमारी फंक्शन की, तो फंक्शन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शंस, देखिए क्या है फंक्शन। अब ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास में हम पढ़ के आए इसके बारे में बेसिक, बट मैं इसको नए सिरे से पढ़ा रहा हूं। जो 11th क्लास में जो भी था वो सारी चीजें यहाँ पे भी मैं रिपीट करूंगा। तो इसकी डेफिनेशन और कहाँ से आया, कैसे आया, क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन है, क्या रेंज है, इन सब के बारे में बताऊंगा। फंक्शन का टॉपिक जो है वो मतलब डीप में लेके जाऊंगा थोड़ा सा। आपको ध्यान से देखिए, फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए, एक ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, 1 2 3 4 5 6 एक फंक्शन है एफ, क्या है देखिए डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने डेफिनेशन लिखी, क्या डेफिनेशन लिखी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो आप मेरे से पूछोगे पहले तो यूनिक का मतलब समझाइए, यूनिक इमेज क्या है, ठीक है, और एवरी एलिमेंट सेट ए का, बी का क्या रोल है, ए का क्या रोल है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। फंक्शन क्या, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सारी चीजें कंप्लीट। आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरे को कमेंट में लिख देना, या मैंने बार बार बताया आपको कि मेरे से इस नंबर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे फोन करके भी आप पूछ सकते हैं कोई भी आपको डाउट या कंफ्यूजन है, ये मेरा नंबर है, तो इस पे भी कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट की बजाय। ओके, देखिए अब बात आती है डेफिनेशन को क्लियर करना, ध्यान से सुनो कि ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मीन्स जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो, ए बी सी, ये क्या है मैं भी आपको क्लियर करूंगा। ए और बी क्या, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की बी सेट के अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक इमेज होनी चाहिए। मीन्स देखिए, वन की यूनिक इमेज है, टू की यूनिक इमेज है, थ्री की यूनिक इमेज है। अब आप कहेंगे सर एक चीज और बताइए, क्या ए के अंदर फोर आ जाए जिसकी इमेज ना हो तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज बी सेट के अंदर ना मिले। ओके, तो सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, मतलब ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज ना हो। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए सेट ए के अंदर जिसकी इमेज बी में नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, क्लियर। दूसरी बात आती है, अब आप कहेंगे सर बी सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए वो किसी की इमेज ही नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने डेफिनेशन बी का जिक्र ही नहीं किया। मैंने क्या कहा है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या मिले, यूनिक इमेज। तो पहली चीज तो ए के अंदर कोई एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना हो, और बी के अंदर कितने भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा पड़े रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात पे आते हैं, अगली बात क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ओके, ए सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स आ रही यहां पे, 5 6 7। अब एक यूनिक मीनिंग क्लियर कर रहा हूं मैं, यूनिक इमेज का क्या मतलब है,
वन सेट की इमेज क्या आई, फाइव, और वन सेट की सिक्स आई, टू की सेवन है, थ्री की एट है। ओके, अब आप कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, वन की इमेज फाइव भी है और वन की इमेज सिक्स भी है, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं है। क्यों, डेफिनेशन हमारी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक के एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आ गई, हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें तो एक एग्जांपल एक ही ऐसा ढूंढना है जिसकी एक से ज्यादा इमेज आ जाए, इसका मतलब वो फंक्शन है नहीं है, यूनिक इमेज। इसको मैं थोड़ा सा अदर वे से एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए। जैसे मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, यहाँ पे फोर पेशेंट है, फोर पेशेंट, तो फर्स्ट पेशेंट डॉक्टर के पास आया, मींस उस पेशेंट के लिए मैं यूनिक डॉक्टर हूं, ठीक है। सेकंड पेशेंट आया, उनके लिए मतलब पर्सनल डॉक्टर मैं ही हूं उनका, थर्ड के लिए पर्सनल डॉक्टर मैं ही हूं मेरे पास, फोर्थ का पर्सनल डॉक्टर मैं ही हूं, मींस उसके लिए मैं यूनिक हूं, सेकंड के लिए भी यूनिक हूं, थर्ड के लिए भी यूनिक हूं, फोर्थ के लिए भी यूनिक हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं चार ही आदमियों का इलाज कर रहा हूं, डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, बट वो कहेगा कि हमारा पर्सनल डॉक्टर है उसी के पास जा रहे हैं, सेकंड वाला पर्सनल डॉक्टर के पास, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, उनके लिए तो मैं यूनिक हूं। बट क्या ये एग्जांपल देखिए कैसे, ये एक सेट है, ये बी सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट, वन टू थ्री, यहाँ फाइव, वन की इमेज फाइव है, टू की इमेज फाइव है, थ्री की इमेज फाइव है, ये डॉक्टर है और ये पेशेंट है, ये पेशेंट फाइव डॉक्टर के पास गया, ये इसके लिए यूनिक डॉक्टर है, इसके लिए भी क्या है यूनिक डॉक्टर है, इसके लिए भी क्या है यूनिक डॉक्टर। अगर वो पेशेंट मेरे पास भी आ जाए, दूसरे डॉक्टर के पास भी चला जाए, इसका मतलब वो यूनिक नहीं होगा। जैसे ये इस डॉक्टर के पास भी गया, इस डॉक्टर के पास भी गया, इसका मतलब यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और ये कौन सा, ये क्या है, फंक्शन है। क्यों, एक के एवरी यहां सिक्स सेवन एक्स्ट्रा पड़े रहे एलिमेंट, हमें कोई भी मतलब नहीं है, बी के अंदर एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी कॉल्ड ए फंक्शन। तो आपको यहां से फंक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि अब आप कहेंगे सर ये जो आपने बताई है, ये सेट बताई है नॉन एम्प्टी सेट, इमेज बताई है, ये कैसे आती, इमेज कैसे आया, क्या कहां से आती है, कैसे क्या रोल होता है इनका। तो देखिए कैसे बनती है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया एक्स प्लस वन, ध्यान से सुनना ये बता रहा हूं मैं, ये कैसे आएंगे, और फंक्शन सच दैट एन टू एन, जो फंक्शन हमारा डिपेंड करता है वो सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट, जो भी चीज है ना सारी की सारी फंक्शन, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमें चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने लिख तो दिया फंक्शन है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसके लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। मेन रोल किस पे होता है, इस पे होता है, सुनिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर फंक्शन सच दैट एन टू एन लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये ए है और ये क्या है बी, मेन से ये सारे एलिमेंट ए के कहां से है, इससे है, और बी के सारे एलिमेंट किसमें है, इसमें, क्लियर। तो जो आगे वाला होता है हमारा वो होता है हमारा डोमेन, एन क्या होगा हमारा डोमेन और सेकंड क्या होगा को डोमेन, तो ये होता है हमारा डोमेन और ये क्या होता है हमारा को डोमेन, क्लियर, ठीक है। अब कैसे करते हैं, मीन्स अब डोमेन के एवरी एलिमेंट्स की को डोमेन में क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, इमेज कह दे यार रेंज सेम थिंग्स, ओके। तो एफ ऑफ वन पुट किया, वन पुट करने के बाद क्या आया टू, तो वन की इमेज क्या आई टू, जैसे यहां से मैं क्लियर करूं, ये एन है ये भी एन है, फंक्शन लगाया, वन की इमेज क्या आई टू, अब टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज क्या आई फोर, इस तरह से हमारा क्या आएगा सारे एलिमेंट्स की, अब आप चेक करोगे क्या सब की इमेज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल रही है। क्यों, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं नेचुरल नंबर में सबकी दूसरे नेचुरल नंबर में इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब आप मेरे को कहोगे कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ये आपको क्लियर होगी होगी कि ये कैसे बने, जो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। जो आती है फंक्शन में डोमेन पुट करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनको कहते हैं रेंज, मीन्स देखिए फिर वापस मैं बता रहा हूं, डोमेन को डोमेन, और जो डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद
जो इमेजेस आती हैं जो सेट के अंदर, अब सुनिए यहां से इमेज कितनी है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं इमेज क्या है, सिर्फ फाइव, फाइव क्या है इमेज, बट कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट थे, फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन तो क्या है कोडोमेन, वन टू थ्री क्या है डोमेन, और रेंज क्या है फाइव। यहां से बात करें डोमेन क्या था नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, और रेंज, रेंज भी हमारी हम चेक करेंगे क्या क्या आएगी, क्या वन किसी की रेंज हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, वन कब होती, जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करता, जीरो हमारे पास है ही नहीं डोमेन के अंदर, क्लियर, तो जो वैल्यूज आ रही है वो क्या होंगी हमारी डोमेन पुट करने के बाद फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे रेंज। अगर यहां पे डोमेन देखें तो डोमेन ये तो फंक्शन ही नहीं है, डोमेन रेंज कोडोमेन तभी हम चेक कर पाएंगे अगर वो फंक्शन है, फंक्शन ही नहीं है तो कोई डोमेन रेंज कोडोमेन कुछ नहीं है, क्लियर। अगली बात पे आते हैं, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो फंक्शन ही नहीं हो, देखिए कोई फंक्शन ही नहीं है वैसा एग्जाम्पल दे देता हूं, मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये फंक्शन है। हमने कहा कि अभी अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, ओके, तो चेक करते हैं, वन पुट किया हमने, क्यों नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, वन से ही हो रहा है, वन पुट किया तो क्या है वन माइनस थ्री क्या है माइनस टू, बट माइनस वन टू डज नॉट बिलोंग टू कोडोमेन नेचुरल नंबर, क्योंकि वन की इमेज क्या है आ रही है माइनस टू, बट माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी इमेज हमें सेट बी के अंदर ना मिले, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं है। अगर मैं यही बात कह दूं इसी फंक्शन में कि फंक्शन आर टू आर है, फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, अब फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। आप कहेंगे कैसे करेगा सर, अब बताओ इस जो सेट है इस सेट के अंदर सारे रियल है और इस सेट के अंदर भी सारे के सारे रियल है, तो वन की इमेज क्या आई माइनस टू, ओके, क्योंकि माइनस टू बिलोंग्स टू आर। अब हमने क्या पुट किया टू, एफ ऑफ टू पुट किया, टू पुट करने से क्या आया माइनस वन, तो टू की इमेज आई माइनस वन, माइनस टू बिलोंग्स टू आर, माइनस वन बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हमें जितनी भी आर की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे रियल नंबर सबकी हमें वैल्यूज दूसरे रियल में मिल जाएंगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिए दोनों के दोनों, दो तीन तरह से, कि जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कब फंक्शन बनेगा कब नहीं बनेगा, ये चीज हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमने फंक्शन क्लियर हो गया है, ओके। तो अगली बात आते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस पे, ठीक है, मेरे हिसाब से फंक्शन मैंने पूरा टाइम देके अच्छे से करवाई है फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन, अब टाइप ऑफ फंक्शन पे चलते हैं फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शंस, आज जो वीडियो है इसमें बस मैं उनके बारे में जस्ट थोड़ा सा नेम नेम बताऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फंक्शंस की, क्योंकि मैं जो जैसे वीडियो क्या हो जाती है कई बार बड़ी हो जाती है और फिर जैसे उसको कंप्रेस करते 5 से 6 GB की चली जाती है 25 मिनट्स की, तो उसको कंप्रेस करने में उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही डाउन आ जाती है, ठीक है, तो ज्यादा बड़ी 30 मिनट से या 25 मिनट से ज्यादा की वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहीं तक देखिए। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन फर्स्ट होता है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड, सेकंड क्या मेनी वन फंक्शन, इसको इनटू फंक्शन भी है बट हमारे इसका कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आया ऑन टू फंक्शन,
इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव। ओके, फोर वन वन ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये मैंने जो टाइप बताई हमारे, तो क्या है जो ट्वेल्थ क्लास है, ट्वेल्थ क्लास में वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव और वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, ये तीन ही टाइप है हमारे। और मेनी वन फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मेनी वन फंक्शन क्या है। इनको अगर मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं हो रहा, अगर इसमें कराऊंगा तो ये थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो इनको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। आपको फिर भी कोई भी डाउट कंफ्यूजन है फंक्शन से रिलेटेड तो मेरे से फोन नंबर, मैंने अपना इसी वीडियो में नंबर बताया है, तो उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।